how are you all? I hope you all are fit and fine. I know you all are enjoying our videos, है ना? आपको सब कुछ ये videos देखने में बहुत मज़ा आ रहा है, I know very well. And आपको educational video देखते देखते आप लोग थक गए होंगे, है ना? तो आज हम लोग एक activity करने वाले हैं, लेकिन वो educational होगी. आप लोग हम लोग activity आप लोगों ने बहुत सारी की है अब तक, drawing के according, art and craft के according, लेकिन आज हम लोग इंग्लिश में एक्टिविटी करेंगे. ओके, तो आपको बहुत मज़ा आएगा. आप लोगों ने बोर्ड पे देखा होगा, है ना, पिक्चर एंड लेटर मैचिंग, है ना, सब वो याद है आपको इंग्लिश में. तो बस वही हिसाब से हम लोग एक नई एक्टिविटी करने वाले हैं, जिसमें आप लोगों को पिक्चर रिकॉग्नाइज करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको लेटर्स फाइंड आउट करने हैं. एंड यहाँ पे पिक्चर्स होंगे, वहाँ पे आपको लेटर्स को रखने हैं. बस यही डिफरेंट है, लेकिन आपको मज़ा आने वाला है. ओके, हम लोग अभी एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे करनी है. फिर वो एक्टिविटी आपको घर पर जो पोस्टर दिए गए हैं बुक सेट में, उसकी हेल्प लेके अब फिर आपको घर पे करना है. ओके, तो चलो देखें हम लोग. देखो यहाँ पे कितने सारे लेटर्स रखे हुए हैं मैंने, है ना, मैंगो शेप्स में रखे हुए हैं सारे लेटर्स. फिर से यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर सब कैसे अच्छे से रखे हुए हैं. देखो यहाँ पे कितने सारे पिक्चर्स है, ये सारे पिक्चर्स आपको वन बाई वन रिकॉग्नाइज करना है. फिर ये जो पिक्चर्स है इसके ऊपर आपको यहाँ से लेटर्स उठा के उस पिक्चर्स पे रखने हैं. ओके, है ना, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन पिक्चर्स रिकॉग्नाइज करना है. ओके, सबसे पहले देखो ये कौन सा पिक्चर है, वायलिन. कौन सा पिक्चर है, वायलिन. वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वी, वी फोर वायलिन, वी फोर वायलिन. तो हमें यहाँ पे मैंगो में कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है, वी. वेर इज वी, वेर इज वी, वी हैव टू फाइंड आउट वी लेटर. वेर इज वी, हियर. तो ये भी हमें यहाँ पे रख देना है ना, इजी टास्क. तो ऐसे सब वन बाय वन हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे. फिर देखो ये कौन सा पिक्चर है, आप लोगों ने देखा होगा ना टीवी में, विच पिक्चर इज दिस, दिस इज एनिमल. कौन सा एनिमल है, कांगारू. तो हमें कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट लेटर के. तो हमें फाइंड आउट करना है के कहाँ पे है, के वेर इज के, ये के है, नो कहाँ पे है के वाला मैंगो, हियर. तो हमें ये के उठा के यहाँ पे रखना है. प्ले करते करते हम लोग स्टडी भी करेंगे. नेक्स्ट ये हमारे बेडरूम में, फिर हॉल में, सब में लगा होता है. क्या ये, फैन. एफ फोर फैन, एफ फोर फैन. देन वी हैव टू फाइंड आउट लेटर एफ. वेर इज एफ, कहाँ पे है, ये रहा. तो हमें एफ को रखना है यहाँ पे, है ना, इजी. नाउ नेक्स्ट, कौन सा फ्रूट है ये, कौन सा, ग्रेप्स. कौन सा फ्रूट है, ग्रेप्स, जी फोर ग्रेप्स. देन वी हैव टू फाइंड आउट जी फोर ग्रेप्स, लेटर जी. वेर इज जी, कहाँ पे है जी वाला मैंगो, ये रहा. तो हमें जी को यहाँ पे रख देना है ना, इजी. नाउ नेक्स्ट, ये देखो मैप है, कौन सी कंट्री का. मैंने आपको जब आई लेटर सिखाया था तब दिखाया था ये फोटो. कौन सा है, इंडिया का मैप है, आई फोर इंडिया, आई फोर इंडिया. देन वी हैव टू फाइंड आउट लेटर आई. वेर इज आई, आई कहाँ पे है, ये आई है, नो नो, ये रहा आई. तो हमें इंडिया के ऊपर आई रख देना है ना, इजी टास्क. आपको मज़ा आ रहा है ना बच्चों. नाउ हम लोग नेक्स्ट लेटर पिक्चर्स पे जाएंगे. ये कौन सा पिक्चर है, आप लोग खेलते हो ना, बिफोर बॉल, बिफोर बॉल. तो हमें कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है, बी. कहाँ पे है बी लेटर, वेर इज बी, ओ हियर दिस इज. कौन सा लेटर है, बी, बी फोर बॉल. नाउ नेक्स्ट, देखो ये आपने देखा है कभी टीवी में या प्रोग्राम्स में, जॉकर. फिर आप लोग जो प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं उसमें भी होता है ना जॉकर, जो हमें जिताता है वो, जे फोर जॉकर. तो हमें कौन सा लेटर फाइंड आउट करना है, जे, जे फोर जॉकर. वेर इज जे, जे वेर आर यू, यार. ये कौन सा लेटर है, जे फोर जॉकर. देन वी हैव टू पुट ऑन जॉकर द लेटर जे, है ना, इजी, जे फोर जॉकर. नाउ नेक्स्ट,
देखो सबका फेवरेट रेड रेड कलर का कौन सा फ्रूट है? एप्पल. विच फ्रूट? एप्पल. देन वी हैव टू फाइंड आउट ए फॉर एप्पल लेटर ए. ये रहा, ये तो सबको पता है ना, सबका फेवरेट लेटर है ये तो, ए फॉर एप्पल. हमें एप्पल के ऊपर रख देना है ना इजी. नाउ नेक्स्ट देखो पिंक पिंक कलर का फ्लावर. विच फ्लावर इज दिस? कौन सा फ्लावर है ये? लोटस. विच फ्लावर? लोटस. एल फॉर लोटस. एल फॉर लोटस. देन वी हैव टू फाइंड आउट एल. वेर इज एल? एल कौन सा है? ये एल है. यस ये एल है. तो हमें एल को लोटस पे रख देना है. कितना फनी गेम है ना, जहाँ पे हम लोग खेल भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं. तो इस तरह से आपको अपने घर पे जो पोस्टर है उसके हेल्प लेके ऐसे आपको प्ले करना है और लर्न करना है. नाउ नेक्स्ट देखो ये क्या है? क्या है ये? एक्सरे. क्या है एक्सरे? जब हमें पैर में चोट लगती है, आप लोगों ने देखा होगा कि जब चोट लगती है तब डॉक्टर हमें एक्सरे पढ़वाने के लिए ले जाता है कि कहीं आपका बोन जो है वो टूटा तो नहीं है ना. तो इसीलिए ये क्या है? एक्सरे. एक्स फॉर एक्सरे. एक्स फाइंड आउट करे. ये एक्स है? नो ये भी नहीं. ये रहा एक्स. हमें एक्स को यहाँ पे रख देना है ना इजी. नाउ नेक्स्ट देखो द बिग एलिफेंट. कौन सा है बिगेस्ट एनिमल? कौन सा है? एलिफेंट. द बिगेस्ट एनिमल ऑफ द लैंड? एलिफेंट. देन वी हैव टू फाइंड आउट ई. ई फॉर एलिफेंट. तो हमें लेटर ई फाइंड आउट करना है. कहाँ पे है लेटर ई? ये रहा. तो हमें ई यहाँ से लेके यहाँ पे रख देना है. कितनी मज़ा आ रहा है ना. अगर आप होते तो हम लोग कितने अच्छे से सब प्ले करते. नाउ नेक्स्ट ये देखो कौन से कौन है? क्वीन है. देखो कैसे अच्छे से अपने सिंहासन पर बैठी है ना. ये क्या है? क्वीन. क्यू फॉर क्वीन. क्यू फॉर क्वीन. तो आपको क्यू फाइंड आउट करना है. अब तो सिर्फ दो लेटर बचे. ये कौन सा है? क्यू. क्यू फॉर क्वीन. तो हमें क्यू यहाँ पे रख देना है ना. फिर ये क्या है? कौन सा वर्ड है? हैन. एच फॉर हैन. तो जो लेटर बचा वो कौन सा है? एच. सिर्फ ये लेटर बचा है तो हमें एच फॉर हैन यहाँ पे रख देना है. देखो कितने अच्छे से हम लोगों ने प्ले किया सब. यहाँ पे देखो वी फॉर वायलिन. के फॉर कंगारू. एफ फॉर फैन. जी फॉर ग्रेप्स. आई फॉर इंडिया. B for ball. J for joker. A for apple. L for lotus. Q for queen. X for x-ray. E for elephant. And H for hand. कितना अच्छा लग रहा है सब ऐसे प्ले करना है आपको. जो ये जो लेटर्स मैंने अभी आपको सिखाए एक एक्टिविटी के थ्रू, उसी तरह से जो लेटर्स बचे हैं वो आपको घर पे बाकी के लेटर्स इस तरह से आपको लर्न करने हैं. देखो ये ऐसे पोस्टर रख के फिर ऐसे लेटर घर पे बना के आपको अच्छे से एक्टिविटी करनी है, उसका वीडियो लेना है. अगर वीडियो नहीं लोगे तो भी चलेगा. ऐसे आप फैला के ऐसे बैठ के आप अपना फ़ोटो भी ले सकते हो और मुझे भेज सकते हो. मैं भी देखूंगी आप लोगों ने कैसे मेरी वीडियो देख के अच्छे से एक्टिविटी की है. ओके तो ऐसे प्ले करते करते हम लोग पढ़ भी सकते हैं. तो आप लोग ऐसे एक्टिविटी करना घर पर और मुझे अपने फ़ोटोज़ भेजना. ओके थैंक यू.